केंद्र सरकार ने पहली बार ये बात स्वीकार की है कि कोविड-19 की दूसरी वेव के दौरान ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई थी। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये बात स्वीकार की है। सवाल किया था आंध्र प्रदेश के राज्यसभा सांसद और तेलुगु देशम पार्टी के नेता के रविंद्र कुमार ने। उन्होंने पूछा, क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर कोई जांच कराई, खासकर रुइया अस्पताल को लेकर? अगर हाँ तो इसकी डिटेल्स दी जाएं। क्या सरकार ने देश के सभी अस्पतालों को ये निर्देश दिए थे कि किसी भी इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए? अगर हाँ तो डिटेल्स दी जाए, अगर नहीं तो कारण बताया जाए। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जवाब दिया। 10 मई 2021 को आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर राम नारायण रुइया हॉस्पिटल में कुछ मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे, जिनकी कोविड-19 ट्रीटमेंट के दौरान मौत हो गई थी। इस संबंध में प्रारंभिक जांच से पता चला है कि एक ऑक्सीजन टैंक के खाली होने और दूसरे बैकअप टैंक को स्विच ऑन किए जाने के बीच में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया था। ऑक्सीजन लाइन का प्रेशर गिरने से वेंटिलेटर सपोर्ट पर बने मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इसके आगे स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, यानी इसकी जिम्मेदारी राज्यों की रहती है। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय का दिया ये जवाब सामने आने के बाद इसकी तुलना हो रही है मंत्रालय के ही एक पिछले जवाब से। जब 20 जुलाई को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा था, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई हो। इस बयान पर उस वक्त काफी बवाल मचा था और अब आंध्र प्रदेश से जुड़ा सरकार का ये जवाब उनके ही पिछले जवाब से विरोधाभासी लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वो अपने यहाँ ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का ब्यौरा भेजें। अभी तक 13 राज्यों ने जवाब भेजा है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। लव अग्रवाल के मुताबिक इन राज्यों में से सिर्फ पंजाब है जिसने कहा है कि संभवतः ऑक्सीजन की कमी से 4 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा किसी राज्य ने अब तक ऑक्सीजन की कमी से मौत होने की बात नहीं कही है। चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश के रुइया हॉस्पिटल में क्या हुआ था, जिसके संबंध में राज्यसभा में सवाल जवाब हुआ। श्री वेंकटेश्वर राम नारायण रुइया हॉस्पिटल आंध्र प्रदेश का सरकारी अस्पताल है। मई में यहाँ ऑक्सीजन की कमी से एक एक करके कुल 23 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर टी भारती ने इस मामले में FIR भी कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि तमिलनाडु से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई देर से आने के कारण अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई थी। इस मामले में उन्होंने श्री भारत फार्मा के प्रबंध निदेशक और मेडिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।